खरगोन जिले के आशा उषा और आशा सहयोगिनी बहनें विगत एक माह से अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर शासन प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से अवगत करा चुकी हैं। ऐसे में उग्र आंदोलन की चेतावनी के साथ महिलाओं ने मोर्चा खोला और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि आशा सहयोगिनियों पहले भी कई बार अपनी मांगों को लेकर जद्दोजहद कर चुकी हैं। ऐसे में शासन के सर पर जू तक ना रेंगने की बात पर अब बहनों ने 1 जुलाई से हड़ताल करने का फैसला लिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि समय रहते मांग पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन करने के लिए तैयारी कर रही हैं। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए खरगोन से महेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। ये 6 मांगों को लेकर आए हैं और 1 तारीख से 25 तारीख तक हम आज हड़ताल पे हैं। अभी तक हमारा कोई निराकरण नहीं लिया गया है और न माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको कुछ इस बात का आश्वासन दिया गया है। इसलिए हम ये मांगे लेके आए हैं कि आशा कार्यकर्ता को 18,000 और सहयोगी को 24,000 और नियमित किया जाए। और हम सबसे पहले तो ये कहना चाहेंगे कि अगर हमारी आशाएं हैं और आशा सहयोगिनी अगर उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, कोरोना काल में इतना काम किया है और अगर वो मांगे रख रही हैं तो कौन सी गलत कर दी। हमारी बहनें कोई भोपाल गई थी, उनको कल गिरफ्तार कर लिया और उनको इतना परेशान करा कि हमको देखते देखते हमारी आंखों से आंसू आ गए। सरकार हमारे साथ जब भी होता है हम मानते हैं कि शिवराज सरकार बहुत अच्छी है, एक तरह से हम ये भी मानते हैं, पर हम ये चाहते हैं कि हमारे पे इतना अत्याचार क्यों करती है। हमारे पे हमेशा जब भी हम हड़ताल रखते हैं, पिछली बार भी हमने हड़ताल रखी थी तब भी हमारी आशा बहनों को और हम लोगों को जेल की हवा खाना पड़े। अगर कोई अपनी रोजी रोटी के लिए मांग रहा है तो उसे जेल में जाना पड़ेगा क्या? मैं यही पूछना चाहती हूँ मुख्यमंत्री जी कि आप जब चुनाव लड़ते हो तो आपको भी लगता है कि मैं इस कुर्सी पे बैठूंगा तो कुछ अच्छा करूंगा, तो आप भी कुछ उमंगे लेकर ही कुर्सी पे बैठे हो। आज हमारी आशा बहनें पूरे गांव में, ग्रामीण में, जिसको ग्रामीण में आप सबको कितना लाभ देने की कोशिश करते हो, उसी ग्रामीण की क्षेत्र की एक गरीब महिला आशा कार्यकर्ता एवं सहयोगिनी कार्य कर रही है, उसके साथ आप ऐसा अत्याचार क्यों कर रहे हो? कोई भी मंत्री होता है जगह तो उसकी बेइज्जती कर देता है। वो मंत्री जी भी बोल रहे थे कि अभी तुमको 24 घंटे में निकाल दूंगा, निकल जाना, नहीं तो मैं तुमको काम से लग जाना, नहीं तो निकाल दूंगा। अरे ऐसी धोसे और ऐसी धमकियां किसको देते हो? अगर हम हमारे रोजी रोटी के लिए लड़ रहे हैं तो हमने कौन सा गुनाह कर दिया? हम ये पूछना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री जी आप समझिए हमारी बात को, हमारी पीड़ा को समझिए।